Okay, so find it out all of you. Option number A ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको फाइंड करना है. सो बेसिकली सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑप्शन नंबर वन. मैं ए ऑप्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स आपको बात करना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. ऑक्सीजन एटम्स क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. ऑक्सीजन एटम्स एंड एच एटम्स. ओके, नंबर ऑफ एच कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ फोर ऑक्सीजन कितने हैं, फोर, यस. एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12. सो वी कैन से द रेशियो इज 1:3. हाँ ओके, सो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है. सेकंड में इफ वी गो अबाउट ऑप्शन बी में, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटाइन टू द नंबर ऑफ एनाइन, अगर हम लोग कैटाइन की बात करें सो दैट कैटाइन 3NH4 पॉजिटिव होगा, राइट, एंड PO4 ट्रिपल नेगेटिव. सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दैट इज 3 एंड हेयर इज दैट इज 1, सो द रेशियो इज 3:1. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. सो कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं? सी ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, नाइट्रोजन एटम्स. एन एटम्स कितना है बेटा, एन एटम्स आपको 3, 3 N एटम्स हैं, राइट. एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 O एटम्स हैं. ओके, सो 4 ऑक्सीजन एटम्स, सो वी कैन से द रेशियो ऑफ द हेयर 3:4 आएगा. एंड नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस वन इज 20. टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना इन वन मॉलिक्यूल्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आप इस तरीके से निकाल सकते हो, NH4 PO4 होल थ्राइस. नाउ इफ यू फाइंड इट आउट इसमें कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स हैं, 3 नाइट्रोजन एटम्स प्लस 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन प्लस 1 फास्फोरस, 1 फास्फोरस प्लस 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन. सो आंसर क्या रहा, 20. 20. ओके, सो 2:0 है. ओके, ये आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमा में अंदर कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो. दिस इज 20. ओके, सो अभी आपको पता लग गया नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स आपका ये हो गया. एंड देन इसमें वन मॉलिक्यूल पूछा, वन मोल पूछा है, यहाँ वन मोल है. अच्छा, ये वन मॉलिक्यूल्स में है बेटा. ओके, वन मॉलिक्यूल्स में अगर हम लोग वन मोल की बात करें तो वन मोल में क्या हो जाएगा, दैट इंटू मोल ऑफ मल्टीप्लाइड 1 एटम सर, 20 into Na, तो आपका Na से मल्टीप्लाइड हो जाएगा. तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, क्या डी ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सर. ऑप्शन डी सही है क्या? नहीं, ऑप्शन डी रॉन्ग है. ऑप्शन बी आपका करेक्ट है. ओके, ए बी सी आपके 3 ऑप्शंस करेक्ट है. ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है. ओके, 3:4 आ रहा है आपका यहाँ पर, 1:3, 3:1. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर टू रीड करो. What volume of liquid H2O2 has the same of atoms as there is the number of atoms in 22.4 ml of H2O gas at 2 atm and 546 Kelvin? I think आपने गैस इक्वेशन पढ़ा क्या, PV is equal to nRT. यस सर. अभी बताया मोल कंसेप्ट में, नहीं तो इसका अलग से चैप्टर है, वहां पर भी डिस्कस कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत आइडिया हुआ तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो. PV is equal to nRT आपके पास इक्वेशन होती है, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है. नंबर ऑफ मोल्स क्या है, चलो नंबर ऑफ मोल्स आपको क्या निकालना, निकालने का वॉल्यूम निकालना. आप ध्यान से देखो बेटा, अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, यहाँ पर PV इज इक्वल टू NRT, तो वॉल्यूम ऑफ 22.4
22.4 ml of H2O at 2 atm 546 kelvin। यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। 22 ml आपके पास वॉल्यूम गिवन है, दिस प्रेशर गिवन है, दिस टेम्परेचर गिवन है, आर आपको पास ऑलरेडी नोन रहता है, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से आप एन निकाल सकते हो, मीन्स एन आपके पास ऑलमोस्ट गिवन है ना, समझे बेटा। सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से आप नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद फिर आप डेंसिटी आपके पास गिवन है, वॉल्यूम आपको फाइंड करना। चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना। ओके ऑल ऑफ यू क्वेश्चन रीड किया सबने सर? हाँ सर। चलो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखता हूँ, साइड में स्क्रीन भी कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए साइड बाय साइड। ओके सो PV is equal to nRT से ये इक्वेशन आप लोग अभी पढ़ोगे, PV is equal to nRT से प्रेशर कितना है आपके पास 2 atm, वॉल्यूम कितना है 22.4 ml। ओके ml को आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से यहाँ पर डिवाइड कर इज इक्वल टू n, r कितना होता बेटा 0.082 r की वैल्यू होती, इनटू टेम्परेचर कितना है 546, ये केल्विन में ही रखना पड़ता है यहां सर। यस सर आपने डिवाइड क्यों किया, मल्टीप्लाई करना चाहिए था ना, ml से आपको लीटर में लेके आना है ना। हां ml से लीटर में लाना है, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड? नहीं नहीं डिवाइड ही करेंगे, मुझे लगा लीटर से आप ml में लेके आ। नहीं 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 ml से लीटर में लेके जाना है। सो n इज इक्वल टू 2 × 22.4, ये आपका 0.08 into 1000 into 546, इसको सॉल्व करोगे आप, अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करोगे, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पर। ओके आप लोग सॉल्व करो कितना आ रहा, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग, कितना आएगा 2 से कैंसिल करेंगे 546 और 0.82 समथिंग समथिंग आपका 1 × 10⁻³ मीन्स ये छोड़ के बाकी सारे कैंसिल आउट हो सकते हैं, पूरे के पूरे बन गए। ओके यहाँ तक आ जाएगा, द नंबर ऑफ मोल्स क्लियर हो गए। ओके नाउ लेट अस, नंबर ऑफ मोल्स क्लियर है यहाँ तक। नाउ व्हाट वॉल्यूम इन ml, आपको ml में वॉल्यूम निकालना है that has the same number of atom as the number of atoms is itne, to aapke number of atoms aa gaye abhi H2O2 ke number of atom, ye volume nikalna hai to yahan par aapka lagne wala hai formula like let volume of H2O2 ka aapka v ml le sakte hain aur v liter le sakte hain। okay ml le lo aap। okay मास निकालेंगे क्या जाएगा, मास ऑफ H2O2 V इनटू डेंसिटी जो आपका यहां पर गिवन है ml में, राइट लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, सो द डेंसिटी कम्स आउट ऑफ कितना V इनटू 5.1 × 10⁻³, दैट इज मास आ जाएगा ये आपका ग्राम में। क्लियर है? अगर इसके मोल निकालेंगे हम, मास आपको आ गया, मोल निकालना है, मोल क्या होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, मास क्या यहाँ पर v
वी इंटू 5.1 इंटू 10^-3 मैं ऑडिबल वॉइस आ रही है ना. ओके सो वी इनटू 5.1 इनटू 10^-3 एंड डिवाइडेड बाय 34 जो आपका H2O2 का मास है. ओके इससे डिवाइड करेंगे आपके नंबर ऑफ क्या जाएंगे मोल्स आ जाएंगे. नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे जो कि ऊपर नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिया वो नंबर ऑफ मोल्स आप यस सॉरी वो नंबर मोल्स इक्वल करके आप वॉल्यूम निकाल सकते हो. क्लियर है. राइट ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर 3 अ सैंपल ऑफ एमजी कंटेन एमजी सेम कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द सैंपल. ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालना इन द सैंपल. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बेटा Tell me the right answer of the question number 3. Third का answer send करो बेटा. जिसका थर्ड हो जाए वो फोर्थ सेंड करना. फोर्थ हो जाए तो फिफ्थ सेंड करना. फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन तक आपको सेंड करना है. अगर आपको दिख नहीं रहा तो जूम कर सकते हैं स्क्रीन पर. अगर तब भी नहीं दिख रहा तो फिर मैं जूम कर सकता हूँ बता सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 4, 5, 6, 7, 8, 9 सॉल्व करना. जो नहीं आता है जस्ट लीव इट. मैं एक्सप्लेन करूंगा एवरी क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन. ओके सॉल्व करते क्वेश्चन का आंसर सेंड करते जाओ चैट बॉक्स में. ओके
मित्र अमितराज वेरी गुड, ईशा वेरी गुड, कार्तिक वेरी गुड हो गए। आई हैव गॉट ओनली थ्री आंसर टिल नाउ, तो तीनों के तीनों लोगों का आंसर सही है, कार्तिक ईशा एंड अमितराज। वेरी गुड बेटा। एक्सप्लेन करूं अगर नहीं आ रहा होगा तो? देखो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊं, जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं, अगर आपको नहीं आता है ना, डोंट बी हेजिटेट, हेजिटेट मत हो, किसी के सामने बोलने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन क्लास में तो ऐसा होता था कि आपको पूछना पड़ता था, सर नहीं आया एक्सप्लेन करो, यहाँ पर कुछ भी नहीं कहना है, चुपके से चैट बॉक्स में मैसेज करना है, सर नहीं आया मेरे से, नहीं समझ में आया, डायरेक्टली मेरे को मैसेज आएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, किसी को बताने का नहीं, कोई डरने का नहीं है। अगर आप ये शर्म के मारे आप नहीं पूछोगे तो फिर कैसे जेई के लिए आप पढ़ रहे हो? फिर ये शर्म और जो चीजें हैं, डरना, ये सब भूलना पड़ेगा। जिसको भी नहीं आता, बिना किसी टेंशन के डायरेक्टली बोल दो, सर नहीं आता एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन कर देंगे, या फिर चैट बॉक्स से मैसेज कर दो, वहां पर भी एक्सप्लेन कर देंगे। बट एटलीस्ट हमको कुछ तो साइन मिलना चाहिए ना, बच्चों को समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। वी आर नॉट इन द ऑफलाइन क्लास, जिससे मैं फेस के एक्सप्रेशन देख के बता दूं कि अच्छा बेटा आपको तो आया ही नहीं होगा, ऑफलाइन क्लास में नहीं है। ओके तो इसका राइट अप्रोच यही है, आप चैट बॉक्स में मैसेज करो, और यू विल यू कैन डायरेक्टली टेल मी, सर नहीं आया एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, हालांकि मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। सो थर्ड क्वेश्चन, लिसन, किस किस का थर्ड का आंसर आया, लिसन एवरीवन, जिसका थर्ड का आंसर आया वो भी सुने, नहीं आया होगा तो भी सुने, जिसको आ गया होगा थर्ड तो वो फोर्थ पे मूव ऑन कर सकता है। ओके सो थर्ड में क्या है आपके सामने, अगर आप ध्यान से देखो, 72 ग्राम आपको मैग्नीशियम गिवेन है, मीन्स 72 ग्राम मैग्नीशियम प्रेजेंट है, राइट? एंड इफ वी से दैट 1 मोल, आपके पास 72 ग्राम प्रेजेंट, इतना सिंपल क्वेश्चन, 72 ग्राम Mg आपके सामने, बट यू नो दैट आपको ये आइडिया है, 1 मोल ऑफ Mg3 PO4 होल ट्वाइस, जब इसका 1 मोल होता है तो इसमें ऑक्सीजन के कितने मोल होते हैं, ऑक्सीजन के कितने मोल हो, मैग्नीशियम के कितने मोल हो, अच्छा ये बता दो, इन बोल मैग्नीशियम के मोल से निकालना है, फास्फोरस के मोल से निकालना, ऑक्सीजन के, मैग्नीशियम 3 मोल, दिस इज 1 मोल एंड दिस इज 8 मोल, राइट? बट अगर मैं मोल से इसका वेट निकालूंगा तो कैसे आ जाएगा बेटा, मोल इंटू मॉलिकुलर वेट, 3 × 24, 72, 2 × 32 कितना जाएगा, 64, फास्फोरस 32 होता है, 30, फास्फोरस का 31 होता है, चलो 31, देन 8 × 16, 144, आपको दिया है कितने ग्राम एमजी है, 72 ग्राम, 72 ग्राम एमजी कितने है बेटा, 1 मोल में है ना, हाँ तो वी कैन से दैट, यहाँ पर ध्यान से देखो, 72 ग्राम एमजी इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल Mg3PO4, Mg3PO4, वेरी गुड, Mg3PO4 होल ट्वाइस, ओके ये चीज यहां तक आ गया। अभी 1 मोल ऑफ Mg3PO4 में ऑक्सीजन कितना है बेटा,
ऑक्सीजन कितना है 8 मोल ना। ओके अगर उसने पूछा यहाँ पर ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पूछा ना, तो आपके ऑक्सीजन एटम्स O एटम्स कितने हैं 8 मोल। अगर मैं पूछूं O2 मॉलिक्यूल्स तो डिवाइड हो गया ना सर 4 मोल हो गया। यही तो आपका आंसर है, डी पार्ट आपका आंसर है 4 मोल। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स आपको क्या होता है मोल्स ही होता है, ये आपका ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या है मोल्स ही है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4। वेरी गुड ईसा, वेरी गुड बेटा, काफी अच्छा परफॉर्मेंस। कार्तिक थोड़ा सा रॉन्ग दिख रहा है बेटा। कार्तिक सही करो अपने आप। क्वेश्चन नंबर 4। अथर्व गुड, अथर्व चौगले करेक्ट है, योर आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5th स्टार्ट करो ईसा, अथर्व यू कैन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5th। फिफ्थ वेरी सिंपल है, देख के बता सकते हैं फिफ्थ का आंसर क्या होगा। एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा है तो ध्यान से देखना बेटा, मॉलिकुलर मास नहीं पूछा है, एटॉमिक मास नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो।
30 ग्राम ऑफ Ca3PO4 आपके सामने गिवन है. व्हाट मास ऑफ Na2SO4 वुड कंटेन द सेम नंबर ऑफ आयन एज प्रेजेंट इन द 930 ग्राम ऑफ Ca3. 930 ग्राम में आपके मोल्स और आयन्स जो भी है वो निकालो. 930 ग्राम ऑफ Ca3PO4 होल्ड वाइज है, इसका मतलब इसमें कितने मोल्स हैं, मोल्स निकाल लोगे, मोल निकालोगे 930 ग्राम ओवर, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ये होता है 310 ग्राम पर मोल. इसका मतलब ये कितने टाइम्स गया, मोल्स निकालोगे 3 मोल्स आएंगे अब. ओके नाउ जब इसमें 3 मोल्स आए, अगर मैं इसमें आयन से निकालना है मुझे Ca3PO4 होल ट्वाइस व्हेन डिसोसिएटेड, इसमें नंबर ऑफ आयन कैल्शियम +3 में जाएगा एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ PO4 डबल ट्रिपल नेगेटिव जाएगा, राइट. कितने आयंस हो गए टोटल, टोटल आयंस 5 मोल्स, इसमें इन 1 मोल ऑफ Ca3PO4 होल ट्वाइस, तो टोटल आयंस हो जाएंगे आपके 15 मोल्स इन 3 मोल्स ऑफ दिस मच. ओके सो टोटल 15 आयंस हो गए, राइट. नाउ यही 15 नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट है किसमें, मोल्स ऑफ किसमें, मोल्स में आपके Na2SO4 है प्रेजेंट. ओके सो चलिए 15 नंबर ऑफ या 15 नंबर मोल्स ऑफ आयंस आपकी प्रेजेंट होना चाहिए, तो आपको क्या निकालना है, दैट 15 मोल्स ऑफ आयन कितने कितने मोल्स में प्रेजेंट होंगे, तो 15 मोल्स ऑफ आयन प्रेजेंट इन 5 मोल्स ऑफ Na2SO4. क्यों बेटा 5 मोल्स आएंगे, ध्यान से देखो इधर 5 मोल्स क्यों आएंगे, थोड़ा समय आपको ब्रीफली, जो आपका Na2SO4 है ना इसके 1 मोल में 2 Na बनेगा प्लस 1 SO4 बनेगा. ओके तो 1 मोल में आपके 3 आयंस बनते हैं, 1 मोल में आपके 3 आयंस बन देंगे, तो 5 मोल्स में आपके कितने आयंस बनेंगे, 50 आयंस बनेंगे, ये 59 बनेंगे, तो आपका ये 5 मोल्स आएगा, नॉट 3, 5 लिखा हुआ है. नाउ इसका वेट निकालना है, वेट क्या होता है, 5 इनटू इसका मॉलिक्यूलर मास 142 या 144 समथिंग होता है, 142 होता है, सो 710 ग्राम आ जाएगा इसका आंसर, 710 ग्राम, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर है ए पार्ट, क्या निकालना, ध्यान से देखो एवरेज मास निकालना होता है, तो आपको एवरेज मास निकालने के लिए, कल मैंने बताया था एवरेज वेट निकालने के लिए 35 इंटू 80% प्लस 37 इंटू 20% एन डिवाइडेड बाई 80 प्लस 20, तो आपका मास आ जाएगा 35.4, ये आपका आ जाएगा, ये आपका क्या है, मास है, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट भी, यू कैन से दैट. ओके नाउ बट यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके ये आपका आया, एवरेज वेट आया, एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है. एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए
आपके सामने देखो, फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट जो आपका 15 है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं बेटा, माइनस करो इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर माइनस करो, 35 माइनस 17 करेंगे तो 18 आएगा, तो 18 इंटू 18 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20 ओवर 100, 100 क्यों, 80 प्लस 20, यहां से आपका आंसर आ जाएगा 18 प्लस 4, तो ये आपको निकालना था मैथ, ये बट एवरेज मास भी मैंने बता दिया, एवरेज वेट और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आपका ए पार्ट आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वेरी गुड प्रसन्ना दिनायक। ओके क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या, अ सैंपल ऑफ K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइज डॉट 24H2O कंटेन 6.4 kg ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फर इन ग्राम इज द सेम सैंपल, सिक्स ए सिक्स का जो निकालना है, K2SO4 लिखा हुआ है, 6.4 ग्राम लिखा हुआ है। अच्छा मोल ऑफ सब्सटेंस निकाल के इस तरीके से सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 6 K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइज डॉट 24H2। ओके नाउ इसके मोल्स ऑफ सब्सटेंस निकालो, कितना दिया हुआ इसमें, कंटेन 6.4 kg ऑक्सीजन, दैट पूरे स्पीसीज कंटेन 6.4 kg ऑक्सीजन। ओके इसमें पूरे में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो। नाउ कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर इन ग्राम इन द सेम सैंपल, इसी सैंपल में सल्फर का मास निकाल, कैसे निकाला बेटा बोलो मुझे। किन का 6 का आंसर आ चुका है, कैसे निकाला था ना, थोड़ा सा बताओ मुझे। मोल से कैलकुलेट किया मोल से कैसे निकाला, सर, जैसे अभी 1 मोल में, 1 मोल में जो है वो 40 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है, फिर यस 6.4 kg से हम मोल निकाल सकते हैं, फिर उतने मोल में कितना जो ओरिजिनल सैंपल है उसके कितने मोल होंगे वो कैलकुलेट करेंगे, और फिर लास्ट में मोल्स ऑफ सल्फर कैलकुलेट करके उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे। गुड, सो बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालना है आपको, या हाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, या हम कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। ओके तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखता हूँ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना जाएगा बेटा, मोल ऑफ सब्सटेंस इनटू 40, ये 40 कहाँ से आया बेटा, ये 40 सबका समेशन है, यहाँ से आपका 4 आया, यहाँ से आपका 12 आया, एंड यहाँ से आपका 24 आया, राइट। अच्छा यही तो 24 और कितना 36 हुआ, एंड 4 40 हुआ, ये आपका 40 हो गया। ओके देन यहाँ से आप निकालोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है, कितने नंबर ऑफ मोल्स आए, 6.4, लेट्स से हम इसको 40 × x लिखते हैं, n इंटू 16 इज इक्वल टू 6400 ग्राम, क्योंकि मैंने जितना नंबर ऑफ मोल्स होंगे मेरे ऑक्सीजन के उस मोल्स से मैंने डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 16 का, एंड x क्या है नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स उसके मौजूद है यहाँ पर। ओके सो x अगर अभी आपको नहीं समझ में आया तो हम ये कर सकते हैं, ये आपका वेट हो जाएगा, एंड x आप पहले कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 10 मोल। जब 10 मोल आपका आंसर आ जाएगा तो यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, 10 मोल किसके बेटा, दैट मोल्स ऑफ सब्सटेंस के। ओके सो इसी 10 मोल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर कितना जाएगा, सल्फर कितना है, 4 × 10 मोल,
अगर आपको सल्फर नहीं, सल्फर देखो यहाँ पर कितना है बेटा, वन सल्फर और थ्री सल्फर, दिस इज वन दिस इज थ्री, टोटल फोर सल्फर है ना, तो 4 × 10 मोल, तो टोटल सल्फर के मोल कितने हो गए, 40 मोल्स आपके सल्फर के हो गए। इफ यू वांट द वेट ऑफ द सल्फर, वेट ऑफ सल्फर दैट मीन्स 40 × आई थिंक 32 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो मल्टीप्लाइड करेंगे 1280 ग्राम आ जाएगा। सिक्स अच्छा क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, अ सैंपल ऑफ K2SO4 हो गया ये, क्वेश्चन 448 लीटर वेसल कंटेन O2 ग्राम एंड CO2 ग्राम इन टू रेशियो 3 इज 1 atm, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके सेवन का आंसर आया किसी का, सेवेंथ का आंसर, गुड वेरी गुड सर, ओके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, हैव यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर एट, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करो बेटा, ओके अदरवाइज इस स्पीड से काम नहीं चलता एग्जाम। चलो क्वेश्चन नंबर सेवन स्टार्ट कर लेते हैं, हम भी बता देते हैं आपको सेवन क्या है। 448 लीटर ऑफ CO2 दिया हुआ, 448 लीटर O2 एंड CO2 जिसका रेशियो 2:3। ओके अगर मैं वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ CO2, O2 का वॉल्यूम ओवर O2 का रेशियो ओवर टोटल रेशियो इनटू 448, तो CO2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, सॉरी 3, तो ये 5 आ जाएगा, 5 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 2 6 मल्टीप्लाइड हो जाएगा एंड 8.8। ओके इतना लीटर आपका CO2 का वॉल्यूम है, देन नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू एट HTP दिया क्या इसमें, हाँ देखो HTP NTP वाला कंडीशन उसने दे दिया है 268.8 लीटर ओवर 22.4 लीटर, कितना जाएगा 12 मोल, इसका आंसर ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट देखो, क्वेश्चन नंबर एट ध्यान से देखो, आपके सामने कंपाउंड है A2SO4.XH2O दैट अंडरगो 45% लॉस मास ऑन हीटिंग एंड बिकम एनहाइड्रस, जब हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, 45% मास इसका लॉस हो जाता है और एनहाइड्रस हो जाता है। ओके तो आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, सिंपल है, द कंपाउंड A2SSO4.XH2O है आपके सामने, when heated that goes anhydrous, A2SO4 बनेगा plus XH2O आपके बाहर निकल गए। ओके जब ये बाहर निकल जाता है तो परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है, 45% है ये, तो परसेंटेज ऑफ वाटर आपका है दैट इज 18 into x, बिकॉज ये मोल से मल्टीप्लाइड करेंगे ना हम लोग, एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे हम लोग टोटल मास, इसका दिया है क्या एटॉमिक वेट, हाँ एक का एटॉमिक वेट दिया है, तो एक का एटॉमिक वेट दिया है टोटल एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाइड डिवाइड से A2SO4 का मास निकालेंगे और उससे 55% करेंगे फिर हमारा टोटल मास आ जाएगा। यस हाँ तो A2SO4 का अगर हम लोग मास निकालेंगे सो ये आपका आ जाएगा आई थिंक कितना 110 आ रहा प्लस x 18x आ रहा, तो वाटर का परसेंटेज हम निकालेंगे तो ये
इनटू करके 45% आ जाएगा। यहां से हम एक्स की वैल्यू काउंट कर लेंगे, आ जाएगा ना एक्स की वैल्यू। हाँ सर क्लियर है। ओके सो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस इन ml लिब्रेट एट 180 m एंड 273 केल्विन व्हेन 1.74 ग्राम MnO2 रिएक्ट विद 2.19 ग्राम HCl अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉलोइंग रिएक्शन विद परसेंटेज यील्ड 40 है। ओके आपको निकालना है वॉल्यूम निकालना। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक बार, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्या दिया हुआ है बेटा, परसेंटेज यील्ड निकालना है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है एंड लेंथी भी है क्वेश्चन आपका। MnO2 प्लस 4HCl जो इक्वेशन दी है आपको मैं बैलेंस करके लिख रहा हूँ एंड MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O ये आपके सामने इक्वेशन दी हुई है। अगर मैं इसमें मोल्स निकालना चाहूँ सारे कंपाउंड की सो शैल वी राइट डाउन NMnO2 मोल्स ऑफ, लेट्स इस तरीके से करते हैं, मोल्स ऑफ MnO2 इज इक्वल टू कितना है 1.74 ओवर MnO2 का मास Mn एंड O2 Mn Mn का कितना होता है ओके एंड O2 टोटल 87 गुड इज इक्वल टू 0.02। ओके यहाँ तक समझ में आया। अभी मोल निकालना है आपको HCl के, HCl के मोल निकालेंगे दैट गिव्स 2.19 ओवर 36.5 इसको कैलकुलेट करेंगे दैट कम्स अराउंड 0.06। ये आपके मोल्स आ गए किसके MnO2 के एंड HCl के मोल्स। अभी MnO2 और HCl के मोल से आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाल सकते हो कौन खत्म हो रहा है कौन नहीं जा रहा है कौन कितना रिएक्शन कर रहा है राइट। नाउ इन दिस रिएक्शन अगर मैं बात करूं ओके आप फिर से रिएक्शन लिख, यहाँ रिएक्शन लिखते नहीं है, ये आपके पास कितने मोल थे 0.02 मोल्स थे एंड 0.06 मोल्स इसके थे। सो मुझे बताओ इस रिएक्शन में 0.06 इसका भी दिया हुआ है इसका भी दिया हुआ है क्या आप लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हो। कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है फाइंड करो जरा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है पक्का, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए आपको के निकालना पड़ता है। के क्या होता है गिवन मोल, लाइक अगर मैं के ए के लिए निकालूं MnO2 के लिए तो गिवन मोल है मेरे 0.02 और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 तो 0.02 आएगा और के बी फॉर HCl 0.06 डिवाइडेड बाय 4 तो 0.02 से कम आ जाएगा। इसका मतलब दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, इसका मतलब इसके मोल्स आपके फाइनल हो जाएंगे। समझ गए सो वी कैन से दैट जितना मोल्स ऑफ HCl के रिएक्ट कर रहे हैं और 4 moles of HCl react करके 1 mole of Cl form हो रहा है। We can write down here 4 mole of HCl that give 1 mole of Cl2। यहाँ तक समझ में आया okay। So, फिर आप 1 से निकालोगे फिर आप डायरेक्टली 0.06 से निकालोगे, 0.06 से आप निकालोगे तो आपको क्या जाएगा 1/4 × 0.06 मोल Cl2। क्लियर है ना ये चीज, क्लियर है। यहाँ पर Cl2 के मोल्स कितने आए कैलकुलेट करो 0.015 मोल्स आएंगे आई थिंक ओके। जब Cl2 के आपके मोल्स आ गए आपके और उसने बोला कितने परसेंट यील्ड है क्या निकालना है एक बार देखें द परसेंटेज यील्ड ही निकालना ओके एंड Cl2 सो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है एनीवन टेल मी परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्म ओवर थ्योरेटिकल प्रोडक्ट फॉर्म राइट इनटू 100 यस एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्म ओवर
vertical product formed into 100. अभी बताओ एक्चुअल प्रोडक्ट आपको पता नहीं बट थियोरेटिकल आपको पता है ना, यहाँ पर जो परसेंटेज यील्ड है दैट गिवन 40. देखो यहाँ पर परसेंटेज यील्ड कितना है, ये 40 दिया हुआ है. ओके एंड एक्चुअल प्रोडक्ट आपको पता नहीं है तो लेट्स से एक्स है एंड थियोरेटिकल प्रोडक्ट आपको पता है 0.15 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं. 0.15 हाँ सही है. इनटू 100 x इज इक्वल टू जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.006 आ जाएगा. हाँ अप्रोक्सीमेटली. ओके अप्रोक्सीमेट क्या फिक्स ही आने वाला है ना, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाइड करेंगे और ये 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 × 0.015/100. जब ये करेंगे तो आपका 0.006 मोल्स आ जाएगा. तो x की वैल्यू आए 0.006 मोल Cl2. इतना Cl2 फॉर्म होता है आपका एक्चुअल में. समझ गया, क्लियर है बेटा? सुनाओ मोल्स ऑफ Cl आपका इतना फॉर्म होता है. अभी आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम. क्वेश्चन अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, देखो आंसर ML में है सब जगह पर. आपको वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है. क्या फॉर्मूला होता है, उसमें कंडीशन दी है HTP वाली. देखो HTP की कंडीशन क्या दी है, 1 ATM 273 केल्विन. ये ATP की कंडीशन है. HTP की क्या देखिए, 1 ATM लिखा हुआ एंड 273 केल्विन लिखा. ये आपका HTP का कंडीशन है. सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ मोल्स 0.006 इनटू 22.4 लीटर से मल्टीप्लाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6 × 12 = 13.4 ml. क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया ना क्वेश्चन? हाँ सर. गुड, अच्छा क्वेश्चन है. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो. कैलकुलेट The percentage mass of calcium carbonate in the 103 gram mixture containing calcium carbonate and Na2CO3 which produces 24 liter of CO2 at 1 atm 300 kelvin and excess of HCl. यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंसेप्ट लगेगा PV is equal to nRT वाला. कौन सा कंसेप्ट लगेगा, PV is equal to nRT. If you are not familiar with that, इससे फेमिलियर नहीं हो तो आप मत लगाओ इस क्वेश्चन को, छोड़ सकते हो, बाद में रिवाइज कर लेना. अगर आपको लगाना यू कैन सॉल्व इट, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके क्वेश्चन रीड करो, नहीं समझ में आता तो मैं बताता हूँ. ओके ओके चलो देख लो, काफी टाइम लगा रहे हो आप लोग सॉल्व करने में, आंसर कम आ रहा है, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है.
टेन क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, अदरवाइज थोड़ा सा आप मिस्टेक कर सकते हो। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की मास परसेंटेज निकालना है। मिक्सचर है आपका 130 103 ग्राम ऑफ मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर है। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर मिक्सचर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बेटा, यही मेंस में और एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये आपके सामने मिक्सचर है, इसका वेट कितना है 103 ग्राम। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं कि सेम एक फॉर्मूला रख दिया क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, दो तो तीन कंसेप्ट मिक्स होके क्वेश्चन आते हैं, मोल कंसेप्ट हुआ, गैसियस वाला हुआ, ओके, कुछ रूल्स हो गए, कुछ प्रिंसिपल हो गए। तो यहाँ पर 103 ग्राम दिया हुआ है, हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, लेट अस एज्यूम कर लेते हैं कि CaCO3 का जो मास है दैट इज एक्स है, और इसका जो मास है ये वाई है। तो वी कैन से दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 103 ग्राम, राइट। यहां तक समझ में आया सबको? हाँ सर। जस्ट नाउ, कैल्शियम कार्बोनेट जो आपके सामने था, अगर इसकी रिएक्शन करते हैं Na2CO3 से, और फिर इसने बोला कि दैट प्रोड्यूस CO2 गैस प्रोड्यूस होती है जब इसमें एसिड वगैरह डाला जाता है, ओके, विद एक्सेस ऑफ एसिड। तो एसिड डालेंगे, HCl CO2 गैस प्रोड्यूस हुई, प्लस अदर प्रोडक्ट भी फॉर्म होंगे, बट अदर उसने दिया नहीं तो हमको भी नहीं लिखना क्योंकि वो जरूरत नहीं। अदर प्रोडक्ट फॉर्म हुए, CO2 गैस फॉर्म हुआ, आपको इन्हीं से मतलब है बस, जो आपके सामने गिवन है। ओके, नाउ अगर इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखोगे, CO2 प्रोड्यूस व्हेन कार्बन एटम्स फ्रॉम द Na2, CO2 प्रोड्यूस किससे प्रोड्यूस होगी, इसके कार्बन एटम से और इसके कार्बन एटम से, राइट। CO2 इन दोनों के कार्बन एटम से प्रोड्यूस होगी ना, हाँ या ना। इसके पास कार्बन एटम्स है, इसके पास कार्बन एटम्स है, तो CO2 में जो कार्बन आया वो यहीं से आया, HCl से तो आया नहीं है कार्बन। ओके, सो वी कैन से दैट CO2 प्रोड्यूस हैव का CO2 जो प्रोड्यूस हो गई, दैट मींस दैट हैव कार्बन फ्रॉम द Na2CO3 एंड CaCO3। अगर मुझे मोल से निकालना है CO2 के मोल से निकालने हैं, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल से निकालने हैं, तो आपके पास फॉर्मूला PV इज इक्वल टू nRT का फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, प्रेशर उसने दिया 1 atm, ध्यान से देखो, प्रेशर आपका 1 atm, टेम्परेचर आपका इतना दिया, वॉल्यूम आपका इतना दिया CO2 का। तो प्रेशर आप अप्लाई कर दो, यहाँ पर 1 है, वॉल्यूम उसने दे दिया कितना है 24, एंड ये क्या नाम, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता नहीं है, आर की वैल्यू आपको पता है 0.0821, टेम्परेचर आपको आइडिया है 300। नाउ एन की वैल्यू आप निकाल सकते हो, यहाँ से एन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 8 × 3 करोगे तो 24 आ रहा बेटा, दिस 8 × दिस 3 24 आ रहा, इस 24 से ये 24 कैंसिल, तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गए बेटा, राइट। यस सर। ओके, सो इसके नंबर ऑफ मोल्स आपके 1 फॉर्म हो रहे हैं। अभी आप देखो, कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स, लेट से CO2 के नंबर ऑफ मोल्स कब फॉर्म हो गए, जब आपका एक्स के 1 मोल रिएक्शन करेगा प्लस वाई के भी 1 मोल रिएक्शन करेगा, तब तो इसके 1 मोल फॉर्म होंगे। क्यों? क्योंकि रिएक्शन तो दोनों ही कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसके 2 मोल रिएक्शन कराते हैं, इसके 4 मोल रिएक्शन, इसके 1 मोल रिएक्शन करेंगे, एटलीस्ट 1 1 मोल तो रिएक्शन करेंगे ना दोनों के, राइट। अरे एटम कंजर्वेशन का रूल्स, एटम जितने लेफ्ट हैंड साइड है उतने ही राइट हैंड साइड है, हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, जो आपका एटम कंजर्वेशन रूल्स होता है, मीन जितने लेफ्ट हैंड साइड एटम्स होंगे उतने राइट हैंड साइड एटम्स होंगे। अगर मैं यहाँ पर 2 एटम्स करता हूँ तो यहाँ पर मेरे 2 एटम्स हो जाएंगे कार्बन के, यहाँ पर 3 एटम्स, यहाँ पर 1 एटम्स हो जाएगा, तो टोटल 3 एटम्स बनना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर एटलीस्ट 1 1 दोनों का रिएक्शन करेंगे, तो वी कैन से दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लॉ, जो आपका प्रिंसिपल होता है ये अप्लाई किया हमने। ओके,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, आपके पास एक इक्वेशन आ गई, राइट। तो ये आपके पास एक इक्वेशन हो गया। नाउ अगर मैं बात करूं, एक इक्वेशन और है आपके सामने, कौन सी इक्वेशन है? वो इक्वेशन ये है कि एक्स प्लस वाई, जो आपके इसके मोल्स हैं, सॉरी ये मोल्स रिएक्शन कर रहे थे ना, मोल्स मोल्स, तो यहाँ पर इसको वेट बनाने के लिए, इसको वेट बनाने के लिए मुझे इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो वी कैन से दैट एक्स इन टू हंड्रेड, बिकॉज ये कैल्शियम कार्बोनेट है, एंड वाई इन टू 106, बिकॉज ये क्या है, Na2CO3 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा वेट आपका 103 आना चाहिए। ये आपका मोल थे ना, मैंने बोला था कि इसके एक्स मोल हैं और इसके वाई मोल हैं, दोनों को मोल्स को जब ऐड करोगे आप इसके वेट से मल्टीप्लाई करके इसके वेट से, तो इतना आना चाहिए। ओके तो वही वेट है, हम ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो। तो आपके पास टू इक्वेशन है, टू अननोन है, एक्स और वाई की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो आप फाइंड करो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन एंड 100 एक्स प्लस 106 वाई इज इक्वल टू 103, वन इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, सॉल्व करोगे 100 से मल्टीप्लाइड करोगे, 100 100 100, इधर पे 100 आएगा, 200 हो जाएगा। ओके एंड दैट डिवाइडेड बाई, ओके 206, 206 डिवाइड बाई 4, ओके। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये जो वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2, एक्स की वैल्यू आपकी 3/2, हाँ 3/6, ओके। तो 0.2 आ जाएगा, सॉरी 0.5 एक्स की वैल्यू आई, एंड वाई की वैल्यू काउंट करोगे तो वाई की वैल्यू भी 0.5 आई। ओके एक्स और वाई 0.5 आया, दैट मीन्स वेट ऑफ CaCO3 कितना है बेटा, एंड Na2CO3 हाफ हाफ मोल आए, इसके हाफ मोल, इसका भी हाफ मोल, 1/2 × 100 50 ग्राम, 1/2 × 106 53 ग्राम, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? अच्छा ये अभी आंसर नहीं हुआ, आंसर क्या है ऐसा पूछा, विद द एक्सेस कितना परसेंटेज आपका मास रिएक्शन कर रहा है। ओके चलो परसेंटेज ऑफ मास, कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज निकालना, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ओवर टोटल वेट इनटू 100, वेट कितना है 50/103 × 100, कैंसिल करो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 48.5 और 48.5। ये आपका फाइनल आंसर, इज दैट क्लियर, सबको समझ में आया? फिर से देख लो एक बार क्वेश्चन, कहाँ से था, इधर से था, दोनों के वेट आपको सामने दिया था, मैंने बोला एक्स मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के एंड वाई मोल्स ऑफ Na2CO3 के मिक्सचर करके 103 ग्राम बनाते हैं, तो दोनों का वेट ऐड करेंगे तो 103 ग्राम आना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन है 24 लीटर आपकी CO2 एट 180 mm एंड 300 K पर। अब ये CO2 गैस मिलती है जब HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो CO2 के मोल्स निकाला, CO2 फॉर्म हुआ, CO2 के मोल्स के थ्रू हमने X और Y के मोल्स निकाले बाय द एटम कंजर्वेशन लॉ। ओके देन X आपने सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में X इंटू 100 Y इंटू 100 करके X टू इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके X और Y की वैल्यू निकाल के कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज निकाल लिया। Is all of you okay? समझ में आया सबको? Tell me, question समझ में आया या नहीं? Sir. Good. अगर question समझ में नहीं आया तो आप फिर से इसको at least 3 to 4 times देखो, concept समझो, repeat करो, देख के नहीं, आंख बंद करके सॉल्व करना सीखो, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन की अगर हिस्ट्री देखा जाए तो आई थिंक 8 to 9 times बार क्वेश्चन आ चुका है ये,
इवन रिसेंट में बोल रहा हूँ मैं, जब से आपका ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुआ ना, लाइक जनवरी मंथ में, फर्स्ट जनवरी सेशन में, फरवरी सेशन में, ओके, अप्रैल सेशन में, मंथ सेशन में, मई सेशन में, तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आपके 3 to 4 times एग्जाम होते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ओके, मेंस की बात कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ HCl दैट प्रोड्यूस इफ 2 gram ऑफ H2 इज मिक्स्ड विद 71 gram Cl2। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 line का क्वेश्चन है। H2 है आपका, प्लस Cl2, आपका क्या फॉर्म हो रहा है? 2HCl। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोला कि कैलकुलेट द मास ऑफ HCl, HCl का मास निकालना। उसने बोला 2 gram ऑफ H2, 2 gram ऑफ H2 मिक्स करते हैं 71 gram ऑफ Cl2 के साथ, तो इन दोनों के मोल्स निकाल लो पहले। मोल्स कितने हो जाएंगे इसके? मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 mole। इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 mole, राइट। अभी देखो, दोनों के 1 mole हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके 1 mole रिएक्शन करते हैं। 1 mole ऑफ H2 व्हेन रिएक्टेड विद 1 mole ऑफ Cl2 द फॉर्म 2 mole ऑफ HCl। तो इसके 1 mole, इसके 1 mole गिवन है, इसके कितने मोल फॉर्म होंगे? 2 mole फॉर्म होंगे। और 2 mole का वेट कितना होगा? 73 होगा ना। सिंपल है, आपका डी पार्ट आंसर है। यहाँ पर आपका बी पार्ट आंसर था, और फर्स्ट वन में आंसर कितना था? MnO2 का वॉल्यूम कितना आ रहा था? 133। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कॉन्सेप्चुअल है, सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन ml ऑफ NO2 एट 180 एंड 273। आपका गैस है Cu with, हमेशा याद रखना बेटा, अगर कभी NTP और ST, जो आपका PV is equal to NRT होता है ना, और आपने 22.4 लीटर निकालते हो ना, या ml निकालते हो, तो यहीं से आता है। जब आप प्रेशर 180 रखते हो और वॉल्यूम V रखते हो और 1 mole रखते हो, एंड R की वैल्यू आप यहाँ पर इंटू 0.082 रखते हो एंड 273 रखते हो, तो V का जो वॉल्यूम का वैल्यू है वो इतना ही आता है। तो डायरेक्टली कहीं पर HTP रखा रहता है ना, तो आप 22.4 से कर सकते हो। और नहीं याद करना है तो ये इक्वेशन सब जगह वैलिड है, सब जगह वैलिड है, समझे? जहाँ जहाँ पर वैलिड नहीं है, उस इक्वेशन के लिए आप लोग एक नया चैप्टर होगा गैसियस स्टेट करके, वहां पर आपको बताया जाएगा। मोस्टली 90% टाइम्स ये इक्वेशन वैलिड जाएगी सब जगह पर, तो ये इक्वेशन आप लगा सकते हो। ओके, ध्यान से देखना, लगाया कर लो यूनिट देख। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, रिएक्शन गिवन है कॉपर प्लस HNO3। अच्छा, रिएक्शन बैलेंस करने का कोफिशिएंट बताओ, HNO3 के सामने कितना आएगा? CuNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NO2। अगर रिएक्शन आपको बैलेंस करना है तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ, 2 number of N है, यहाँ पर 1 number of N है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 लगा सकते हैं। बट अगर 3 number of N लगाएंगे तो आपके हाइड्रोजन मिसबैलेंस हो जाएंगे और ऑक्सीजन भी, तो आप क्या करो, यहाँ पर 4 number 4 लगाएंगे, एंड यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। ओके, सो इक्वेशन बैलेंस, सो वी कैन से दैट 1 mole ऑफ कॉपर दैट प्रोवाइडेड 2 moles ऑफ NO2। 1 mole ऑफ कॉपर से आपका 2 mole NO2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ओके, 1 mole ऑफ कॉपर से 2 mole NO2 बन रहा है। अब 1 mole कॉपर का वेट निकाल लो बेटा जल्दी से, सॉरी इसमें कितना दिया, 1 mole नहीं दिया, इसमें ये दिया हुआ, तो 12.7 gram ओवर कॉपर का होता है 63.5। इतने मोल से क्या बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। 2
ओवर 1 × 12.7 over 63.5। समझ में आया ये चीज? नहीं समझ में आया तो कार्टून देखना शुरू कर दो, होगो, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं, बोलो। देखो मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम बोलते हैं 4 मोल से इसके 2 मोल्स बन रहे हैं, किसी के भी 4 मोल से 2 मोल्स बन रहे हैं, तो हम पहले 1 मोल से निकालते हैं। 1 मोल से बनाने के लिए 2 by 4 मोल्स होते हैं। फिर जितना भी मॉलिक्यूल से एक्स मोल हमारे पास गिवन है, तो एक्स मोल से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 by 4 × x करते हैं। क्या ये स्टेप समझ में आया नीचे वाला सबको? यस और नो? ओके, सेम स्टेप यहाँ पर। यहाँ पर देखो 1 मोल से आपके 2 मोल्स बन रहे हैं, ये वाला स्टेप है। सीधे फर्स्ट वाले को स्किप करके यहाँ पर है, 1 मोल से इसके 2 मोल्स बन रहे हैं। तो लेट से ये अमाउंट आपका एक्स है, तो इसके एक्स मोल से कितने बनेंगे, 2x बनेंगे ना, या 2 by 1 over x। तो 2 by 1, यहाँ पर 1 मोल थे तो 2 by 1 over x कर दिया, यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया? तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका मोल्स आ जाएंगे यहाँ पर, सॉल्व करेंगे दिस, 4 5 टाइम्स जाएगा, एंड 5 टाइम्स जाने के बाद ये 4 टाइम्स होते हैं। तो मोल्स ऑफ NO2 इक्वल 0.4, नॉट 4, 0.4। ओके, जब मोल्स आ गया तो आपको निकालना है वॉल्यूम, देन वॉल्यूम ऑफ NO2 एट STP है क्या, STP और 1 ATM 273 केल्विन क्या होता है, 0.4 × 22.4। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8.960 दैट इज लीटर, और अगर ML में दिया है तो 8960 ML आ जाएगा, राइट। 13 का ए पार्ट। इज ऑल ऑफ यू ओके? समझ में आया सबको क्या क्या हो रहा है? ना, क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आज का जो PDF है बेटा अच्छे से नहीं बन पाया होगा सॉल्यूशन वाला, तो सेंड कर दूंगा, तो थोड़ा सा आज कंप्रोमाइज करना, क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं लिखा, रैंडम तरीके से कुछ समझाया है। ओके, बट क्वेश्चन सारे सॉल्व किए ना हमने, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल क्वेश्चन है। एक्स इज अ मॉलिकुलर सब्सटेंस दैट कंटेनिंग 21 एटम्स ऑफ कार्बन पर मॉलिक्यूल, द वेट ऑफ कार्बन ऑफ सी इन एक्स इज 50.4%। व्हाट इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ एक्स इन AMU? सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। लेट से मास ऑफ कार्बन इन 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ कितना हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, टेल मी। इतने एटम्स है ना बेटा, तो 21 एटम्स इंटू 1 एटम का मास कितना होता है, 12, तो मास कितना हो जाएगा, 2.52 AMU, राइट, यस और नो, कुछ तो बोल दिया करो थोड़ा सा। नाउ इफ परसेंटेज वेट ऑफ कार्बन आपके सामने कितने हैं, इफ वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एक्स इज 50.4%, ये आपके सामने गिवन है। ओके, सो बेसिकली अगर आपको निकालना है इतने परसेंटेज, तो मॉलिकुलर मास निकालो पहले। ओके,
या परसेंटेज आप निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, लेट से मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, मॉलिक्यूलर मास, एक्स इज अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, एक्स इज अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। ओके, सब्सटेंस दिया हुआ है आपको, पर्सनल मास निकालना। हाँ, चलो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स, एक्स का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मुझे क्या, 242 ओवर 50.4 इंटू 100 ये करेंगे, देन ये आपका 2 टाइम्स जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई ये करेंगे तो ये आपका 0.2 टाइम्स जाएगा बेसिकली। ओके, तो आपका 500 AMU आएगा। क्लियर है? 500 AMU आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्वेश्चन नंबर। कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 15 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द प्रेशर इन एटीएम एग्जर्टेड बाय गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बिकॉज गैसियस स्टेट वाला क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोग ना निकाल पाओ, बट मैं बता दे रहा हूँ सिंपल सा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पर क्वेश्चन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पर क्वेश्चन है। ओके, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं करना तो छोड़ भी सकते हो, ऑप्शनल है आपके लिए। ओके, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन दिस इक्वेशन, अगर आपके सामने इक्वेशन आ जाए तो एफ ई जो Cl3 है ये आपका सॉलिड होता है, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है एफ ई Cl2 में, प्लस यहाँ पर हाफ मोल ऑफ Cl2 गैस बन रही है फॉर द बैलेंस करने के लिए। ओके, नाउ ये आपका सॉलिड है, ये भी आपका सॉलिड है, ये आपकी गैस बन रही है, बट ध्यान से देखो यहाँ पर 1 मोल ऑफ एफ ई Cl3 दैट गिव हाफ मोल ऑफ Cl2, 1 मोल ऑफ एफ ई Cl3 से हाफ मोल ऑफ क्या मिल रहा है बेटा, Cl2 गैस मिल रहा है। यहाँ तक तो किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, हाफ मोल मिल रहा है, तो वी कैन से दैट इसके हाफ मोल मिल रहा है इसके 1 मोल से, और यही आपको निकालना था। यहाँ पर देखो, कैलकुलेट द प्रेशर एग्जर्टेड है बाय द गैस 27 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये क्या है, 27 + 273, 300 केल्विन आपका ये हो गया, एंड आपका दिस मच अमाउंट आपके पास Cl3 गिवन है, तो इस Cl3 के लिए आप वेट के मोल निकाल सकते हो, इसका मोल निकालोगे तो ये आपका 1 मोल ही आ जाएगा। वन मोल हाँ, तो इसका 1 मोल आपके पास गिवन है। नाउ ये आपका इतने लीटर ऑफ क्या मिल रहा है आपको, Fe3 इन इतने लीटर कंटेनर अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन, एज्यूम दैट हाँ ये रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पर क्या निकालना है, ध्यान से समझो, द पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, प्रेशर आपको निकालना है, प्रेशर की जगह मैंने पी रखा, वॉल्यूम मेरे पास गिवन है कितना है, 0.0821 लीटर वॉल्यूम गिवन है, इज इक्वल टू एन भी मेरे पास गिवन है हाफ मोल, एंड आर की वैल्यू हमारे कांस्टेंट होती है 0.0821, ये कांस्टेंट होती है आर की वैल्यू, एंड टेम्परेचर आपके पास 300 गिवन है, इसको कैंसिल आउट करो, दिस वन कैंसिल हो जाएगी एंड ये 2 से ये 50, तो प्रेशर आपका आ जाएगा 150 ATM, ये आपका राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है बट इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आया टेंशन मत लो, आगे कुछ चैप्टर में आके समझ में आ जाएगा आप, क्लियर है ना। नाउ 16 क्वेश्चन भी सेम है बट इसको नहीं सॉल्व करो अभी आप, 17 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ, ये क्वेश्चन जेई में आ चुका बेटा, 2 to 3 टाइम्स रिपीटेड है, यही मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखना बेटा। ओके, एंड दैट विल बी योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर, मोलैलिटी निकालना है। आई थिंक ये आपको सर ने क्लास में सॉल्यूशन भी कराया होगा, एग्जाम्पल नहीं कराया तो देखो, मोलैलिटी आपको फाइंड करना है किसी भी सब्सटेंस की, यहाँ पर वाटर की मोलैलिटी फाइंड करना। ओके, आपके पास डेंसिटी क्या है, प्योर वाटर, इफ इट्स डेंसिटी, प्योर वाटर की डेंसिटी आपके पास गिवन है, तो लेट्स से डेंसिटी गिवन है आपके सामने
वाटर की डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है बेटा? 0.936 ग्राम पर ml, ये आपके पास डेंसिटी गिवन है। नाउ इस डेंसिटी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर। इस डेंसिटी मोलैलिटी निकालना है प्योर वाटर की डेंसिटी। ओके, तो थोड़ा सा ट्राई करो बेटा कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स मैं राइट डाउन मोलैलिटी का फॉर्मूला राइट डाउन करता हूँ। एम इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर, क्या था, मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इन केजी इंटू 100। 100 नहीं होता, अगर ग्राम में रखोगे तो इंटू 1000 करोगे, अदरवाइज रहने देते हैं। अभी यहाँ पर आपको इतना गिवन है। अभी यहाँ पर देखो बेटा मोल्स भी वही है, मोल्स भी आपका सॉल्यूट भी आपका वाटर है एंड सॉल्वेंट भी आपका वाटर है। तो इन दिस केस आप इस तरीके से कर सकते हो, अगर आपको मोलरिटी फाइंड करना है, मोल्स निकालना है, तो इससे आप वेट निकाल सकते हो। पहले इस वाटर से आप क्या निकालोगे? वेट निकालोगे। वेट निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? वेट निकालने के लिए बोलो बोलो बोलो, वॉल्यूम अज्यूम करेंगे। वॉल्यूम एज्यूम कर नहीं कर सकते हम यहाँ पर। वेट निकालने के लिए जो वाटर की डेंसिटी होती है, प्योर वाटर तो आपको गिवन है, बट एक सॉल्यूशन होगा ना, इस तरीके समझो कि प्योर वाटर जो है आपका वो सॉल्यूट है, और किसी भी वाटर सॉल्वेंट में तो ऐड होगा ना ये। यहाँ पर इससे पहले हम क्या करते थे, HCl होता था और उसके बाद सॉल्यूट में आपका H2O हो करता था, बट यहाँ पर वो केस नहीं है। यहाँ पर H2O आपका प्योर आपका क्या सॉल्यूट है, और H2O जो आपका है नॉर्मल वाटर आपका क्या है सॉल्वेंट है। तो नॉर्मल वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1। उस डेंसिटी के अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हो? इसका वेट निकाल सकते हो, राइट? या फिर डायरेक्टली मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 936 जो मेरा वेट है ओवर 18, ये मेरा मोल्स आ गए, एंड 936 ओवर 1000 ये मेरा केजी बन गया। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 52 इंटू 936 इक्वल टू 55.56, ये आपका मोल पर केजी आंसर आ गया। क्लियर है? इसको एक बार खुद से सॉल्व करना। मैंने दो क्वेश्चन बोले आज के लिए, एक क्वेश्चन ये वाला और एक इससे पहले Na2CO3 और कैल्शियम कार्बोनेट वाला। दोनों क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना। नहीं समझ में आता तो मुझे कॉल करो, मैसेज करो, मैं इसका फिर से रिप्लाई करूँ। क्लियर है? सो राइट नाउ हम लेक्चर स्टॉप कर रहे हैं यहाँ तक। ओके, सो यू कैन लीव नाउ। लेक्चर मैं स्टॉप कर रहा हूँ, यू कैन लीव नाउ। ओके, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर, बाय थैंक सर। यू सर, बाय सर। थैंक यू।